Assalamualaikum kids, how are you? Yes, it's our English time और हम अपने English time में जो करेंगे वो तो करेंगे, पहले मुझे ये बताएं कि कल हमने क्या किया था? जी हाँ, कल हमने tools पढ़े थे, आपने घर में प्रैक्टिस की थी? Good, well done, तो आज हम देखते हैं दोबारा tools को और हम करते हैं अपनी blanks fill. Chale, let's look at the board. Look at your icon first. Your first icon is read. Read and then write. Write. Color. Color. Write the date here. Read with me. Tools. 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 saw जिसे लकड़ी काटते हैं ना, saw, आरी, उर्दू में आरी कहते हैं इसे. screwdriver पेचकस है ना, screwdriver. hammer हथौड़ी hammer और इसमें देखें अहमद क्या कर रहे हैं. जी अहमद हैमरिंग कर रहे हैं कुछ, कोई चीज़, कोई कील, कोई नेल या कोई स्क्रू का, जिसको वो जी हिट करके फिक्स कर रहे हैं, है ना. चलें अब देखते हैं कि ब्लैंक्स क्या हैं हमारे पास. अहमद इज डैश विद अ डैश. अब जल्दी से ये जो पिक्चर है इससे इसको फिलअप करें. जी अहमद इज हैमरिंग, अब यहाँ लिखेंगे हैमरिंग विद अ हैमर. अहमद इज हैमरिंग विद अ हैमर. वेल डन. नाउ लुक एट योर नेक्स्ट ब्लैंक. डैश is used to cut wood. Dash is used to cut wood. लकड़ी काटने के लिए क्या यूज करते हैं हम इन सारे टूल्स में से? जी saw. Well done, saw. तो आप यहाँ लिखेंगे saw is used to cut wood. Saw is used to cut wood. Now look at your next blank. Dash is used to open a screw. Dash is used to open a screw. Screw खोलने के लिए हम क्या use करते हैं? Screwdriver. Well done. तो आप यहाँ लिखेंगे screwdriver. Screwdriver. Screwdriver is used to open a screw. Screwdriver is used to open a screw. Good, well done kid. आपने बहुत अच्छे से सारी blanks की. Well done. कल हम और blanks करेंगे, ठीक है ना. अभी आप क्या करेंगे? जी picture पे करेंगे up and down position में अच्छी सी coloring. एंड देन पिक्चर क्लिक करेंगे, टीचर को सेंड करके बताएंगे कि आपने कितनी अच्छी सारी ब्लैंक्स की, है ना. ओके बाय.